दोस्तों आईपीएल 2021 के ऊपर आज के दिन कुल 10 बड़ी अपडेट निकल करके सामने आ रही है, जहां पर पहली अपडेट है आईपीएल के स्टार्टिंग डेट को लेकर। इसके बाद आरसीबी के रिटेन प्लेयर्स, फॉरेन प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी, इसके साथ ही और भी कई सारी बड़ी अपडेट आईपीएल के ऊपर निकल कर सामने आ रही है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इन सभी खबरों के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन देंगे। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और वीडियो के नीचे से रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप आईपीएल से रिलेटेड कोई भी न्यूज सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर फॉलो करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वन बाय वन आईपीएल से रिलेटेड सभी न्यूज दे देते हैं। तो इस लिस्ट की पहली बड़ी अपडेट है दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान यानी कि श्रेयस अय्यर को लेकर। और अय्यर ने बताया है कि वो आईपीएल के सेकेंड पेज में खेलेंगे और अपने कप्तानी के ऊपर काफी बड़ा बयान दिया है। और उन्होंने बताया है कि वो आईपीएल के सेकेंड पेज में कप्तानी करेंगे या फिर नहीं करेंगे, इसका डिसीजन दिल्ली की मैनेजमेंट करेगी। इसके बाद इस लिस्ट की दूसरी बड़ी अपडेट है आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन की तरफ से, जहां पर बीसीसीआई ने बताया है कि मेगा ऑक्शन में सभी टीमें मैक्सिमम 4 प्लेयर्स को ही रिटेन कर पाएगी, जिसमें से मैक्सिमम 2 विदेशी प्लेयर्स को ही अपने स्क्वाड में रिटेन कर सकती है। तो ये काफी बड़ी अपडेट आई है। इसके बाद इस लिस्ट की तीसरी बड़ी अपडेट है महान विकेट कीपर यानी कि मार्क बाउचर की तरफ से। और मार्क बाउचर ने बताया है कि जब आईपीएल का सेकेंड फेज यूएई में स्टार्ट होगा तो वहां पर सबसे ज्यादा मदद स्पिनर्स को मिलेगी, तो वहां पर स्पिनर्स जो है वो काफी ज्यादा वैल्यूएबल होने वाले हैं। इसके बाद इस लिस्ट की चौथी बड़ी अपडेट है आईपीएल 2022 में खेलने वाली 2 नई टीमों की तरफ से, जहां पर अक्टूबर में 2 नई टीमों की नीलामी होगी और मोस्ट प्रोबेबली अहमदाबाद और साथ ही साथ पुणे की टीम 2 नई टीम के रूप में आईपीएल 2022 में दिख सकती है। इसके बाद इस लिस्ट की पांचवी बड़ी अपडेट है आईपीएल 2022 के फॉर्मेट को लेकर, जहां पर बीसीसीआई ने ऐलान किया है कि जब 10 टीमें पार्टिसिपेट करेगी तो आईपीएल में मैचों की संख्या बढ़ जाएगी और टोटल 74 मैच खेले जाएंगे, यानी कि अगले साल से आईपीएल और भी काफी ज्यादा शानदार होगा और टोटल 74 मैच खेले जाएंगे और आईपीएल के ड्यूरेशन में भी बीसीसीआई बदलाव कर देगी। इसके बाद इस लिस्ट की छठवीं बड़ी अपडेट है फॉरेन प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी को लेकर, जहां पर इंग्लैंड को छोड़ करके लगभग सभी देशों के प्लेयर्स आईपीएल के सेकेंड पेज में खेलेंगे। तो यहां पर सभी टीमों के फ्रेंचाइजी को काफी बड़ी खुशखबरी मिली है और सभी टीमों के फ्रेंचाइजी यूएई आज रवाना होने वाले हैं, क्योंकि 6 जुलाई को ही सभी टीमों के फ्रेंचाइजी यूएई जाने वाले थे और वहां पर वो मुआयना करेंगे कि कौन कौन से प्लेयर्स कौन कौन से होटल्स में स्टे करेंगे। इसके बाद इस लिस्ट की सातवीं बड़ी अपडेट है ब्रैड हॉग की तरफ से, जहां पर ब्रैड हॉग ने आरसीबी और सीएसके के ऊपर काफी बड़ा बयान दिया है। और उन्होंने बताया है कि आरसीबी की टीम को अपने स्क्वाड में काइल जेमिसन को रिटेन करना चाहिए और साथ ही साथ चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को बाद में एमएस धोनी को अपनी टीम का कोच बना देना चाहिए। तो आपके अकॉर्डिंग आरसीबी की टीम को कौन कौन से 2 विदेशी प्लेयर को रिटेन करना चाहिए, दोनों प्लेयर का नाम कमेंट में जरूर बताएं। इसके बाद इस लिस्ट की आठवीं बड़ी अपडेट है आईपीएल के कंफर्म डेट को लेकर, जहां पर अब ऐलान हो चुका है कि T20 वर्ल्ड कप के चलते 10 अक्टूबर को ही आईपीएल का फाइनल मैच होगा, वहीं 17 या फिर 19 सितंबर से आईपीएल 2021 का सीजन स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद इस लिस्ट की नौवीं बड़ी अपडेट है आरसीबी केकेआर मैच की तरफ से, जहां पर आरसीबी और केकेआर के मैच को लेकर काफी बड़ा ऐलान देखने को मिला है। और इस मैच से पहले कोलकाता के कई सारे स्टार प्लेयर्स बाहर हो चुके हैं, तो ऐसे में कोलकाता की टीम को काफी बड़ा झटका लगेगा और मेरे अकॉर्डिंग इस मैच में आरसीबी की टीम जीत जाएगी। इसके बाद इस लिस्ट की आखिरी बड़ी अपडेट है कि आईपीएल 2021 के वेन्यू में काफी बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जहां पर अबू धाबी के एक नए स्टेडियम में आईपीएल के कुछ मैचों को कंडक्ट किया जाएगा। तो यहां पर आईपीएल 2021 में टोटल 4 वेन्यू देखने को मिलेंगे। तो यही था आईपीएल से रिलेटेड कुल 10 बड़ी अपडेट। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।